हाय एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड साक्षी तंजल। और मैं रुकी हूँ। हम किसके साथ रुके हैं? रमन। रमन मेरे रूम में घुसा हुआ है। डिवाइन एक्सपी। वेल, ये मेरा रूम नहीं है, ये रमन की ही जगह है। मैं तो ऊपर सो रही थी कल रात को, सो आई जस्ट वॉक अप एंड केम नीचे। ऊपर वो नहीं करने वाली मैं, बाथरूम तो एक ही है हम दोनों का, वो नहीं कर सकते हम लोग की ब्रेकफास्ट करने आई हूँ और फिर वापस ऊपर भाग जाऊँ। ये तुम्हारा बेड है फिलहाल? तुम्हें जरूरत भी बड़े बेड की है, तुम्हारी हाइट लंबी है ना, तुम्हें स्पेस एक्सेस चाहिए होती है। हाथ खोल के सोते हो और खराटे लेके सोते हो। सो यू नो इनका ये डबल डेकर है ये जगह। गाड़ी पार्किंग या नीचे स्पेस है एंड माय रूम इज लाइक अपस्टेयर्स, सो आई विल शो यू। बट यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है। यू गेट मतलब जब तक सनलाइट है तब तक आपको यहाँ पे सनलाइट आएगी। एंड इनके पास अराउंड 10 रूम्स हैं। विल शेयर डिफरेंट काइंड ऑफ रूम्स, व्हाट काइंड ऑफ रूम्स दे हैव। एंड लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्निंग। मेरे सामने जो ये नदी जा रही है दैट इज तीर्थन रिवर। वी आर इन तीर्थन वैली राइट नाउ। तो गाइस हम शूट कर रहे हैं इस रूम में। देखो ये रूम कितना खाली है, बेहतरीन है। यहाँ पे सनसेट डायरेक्ट आ रहा है। ये देखो पीछे पीछे गार्डन सा है। हाँ सनलाइट, चलो कुछ तो करेक्ट करा इस लड़के ने, कुछ तो इसको मेरे साथ ट्रैवल करने में समझ आई। देखो मुझे कहाँ खड़ा करा हुआ इसने। ये होती है ब्लॉगर की लाइफ। पहले सीढ़ी पर खड़ी थी मैं, अब मैं यहाँ कहीं खड़ी हूँ। सॉरी ट्री, सॉरी प्रॉपर्टी ओनर, हम ऐसे ही शूट करते हैं। क्या बोल रहे हो? सॉरी यहाँ से आप हो गया, आ गया तुम्हारे शॉट। चलो सो गाइस, मुझे लगता है यहाँ पे जो है वो लोकल पीपल रहते हैं बिल्कुल इस प्रॉपर्टी के साइड पे। इस वक्त स्प्रिंग सीजन चल रहा है तो ये जगह कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है। अभी पता है बारिश की चांसेस हैं, इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा लाइट जल्दी चली गई है। एंड हम चलते हैं, मैं रुकी हूँ रूम नंबर तो मुझे याद नहीं, ऊपर है 30 समथिंग में। एंड मेरा रूम बहुत प्यारा है। अब मैं एंटर कर रही हूँ 201 में स्पेसिफिकली। ये रूम है सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए एंड दिस रूम ऑल्सो हैव अ ब्यूटीफुल वाइब। आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये रूम जो है बालकनी एरिया से अटैच है और आपको नज़ारा दिखेगा ब्यूटीफुल माउंटेन्स का। आसपास बहुत कुछ रेनोवेट हो रहा है, प्लस एक बहुत बड़ी अलमीरा है, मतलब कबर्ड है एक्चुअली में, जिसमें आप अगर लंबा प्लान करके आ रहे हो तो कुछ अच्छे से सामान ला सकते हो, रख सकते हो यहाँ पे। एंड अगर आपको रूम के चार्जेस जानने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली इस जगह का मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके इसके चार्जेस पता कर सकते हो। आई गेस ये ट्रेल है थोड़ी सी ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पैदल का रास्ता दिख रहा है, बट रास्ता नीचे बाहर निकल के प्रॉपर्टी से जाता है, प्रॉपर्टी से नहीं जाता। ये आई गेस गाँव वालों के लिए नॉर्मल है, मतलब जो लोकल यहाँ पे ले रह रहे हैं उनका है कुछ है। प्लस हर रूम में वुडन वर्क है, प्लस हर रूम में वुडन वर्क है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और हर रूम में मिरर है जिसमें आप अपने आप को निहार सकते हो। एंड जस्ट गेटिंग, लेट्स लुक द वॉशरूम। वॉशरूम इनका काफ़ी ह्यूज है, अच्छा है, अच्छा एरिया है, सो यू कैन एक्चुअली गेट एन फ्रेशन अप वाला थिंग बहुत खुले एरिया में। अच्छा लग रहा है ना दिस वॉशरूम? I'm just kidding. Let's go to another room, जो कि है 203। इस रूम की क्या स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी है एक्चुअली कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, आपकी बुक बिग ऑक्यूपेंसी है, ये पड़ेगा फ्रंट साइड के एरिया से। अगर आप बाहर जाते हो इस रूम से तो आपको रिवर की आवाज़ भी सुनाई देगी। अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ड्रिल मशीन की आवाज़ मेरे व्लॉग में आपको सुनाई दे सकती है। प्लस इस रूम में है एक ह्यूज वॉशरूम, जैसे कि फैमिली ऑक्यूपेंसी का रूम है तो यहाँ पे एक ही वॉशरूम है, ये दूसरा रूम है एंड दिस इज लिटिल बिगर विद अ मिरर विद अगेन अच्छा खासा कवर्ड।
ऑल्सो अगर आप काम करना चाहते हो बैठ के, देर इज अ टेबल, मुझे अच्छा लग रहा है इनका टेबल का सिंपल डिज़ाइन। हर रूम में स्लीपर्स दे रखी हैं, अगर इनके साथ स्लीपर भूल चुके हो तो हर रूम में स्लीपर्स दे रखी है। वॉकिंग डिस्टेंस पे कहते हैं तीर्थन जो नदी हमारे सामने जो है उसका, मतलब वहाँ तक हम जा सकते हैं, हम कोशिश करते हैं उस तरफ तक जाने की। सो गाइस अगर मैं नीचे की तरफ जाती हूँ वहाँ पे भी रूम है बट अगेन विद अ सिंगल ऑक्यूपेंसी। सो टोटल मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे 10 रूम है। तो मैं जा रही हूँ अभी रिसेप्शन एरिया जहाँ पे रेस्टोरेंट एरिया भी है और वहाँ पे इनका मतलब पार्किंग एरिया प्लस ये गार्डन मेंटेन कर रहे हैं। सो दिस इज द रिसेप्शन एरिया एंड इनका ये रेस्टोरेंट एरिया है। आई एक्चुअली लव दिस अटायर, इन्होंने खुद डिज़ाइन किया। Have you read this book? Think Like a Monk. I was reading but studies बीच में आ गई बहुत ज़्यादा। और अगर मैं बाहर जाऊँ, hello, hi. Hi. So he is the one who is owning the property guys and he is always busy. Obviously you could understand why. And जो बारिश की आवाज़ आ रही है वो कुछ उस तरफ से आ रही है, उस तरफ के पहाड़ों से। So I guess यहाँ पर 5-6 कार बहुत आराम से लग सकती हैं। Plus दिस इज़ द प्रॉपर्टी। पावर ऑफ हिमाचल की बसेस कहीं से भी निकल जाती हैं, सारे व्हीकल्स को साइड करवा देती हैं, बिल्कुल एंड एंड पॉइंट पर लटकवा दिया व्हीकल्स को, पहले मेरे को निकलने दो। कंडक्टर तो ऐसे निकल के बाहर बस को निकाल रहा है, पूछो ही मत। अभी थोड़ी देर पहले पीछे थी, अभी आगे हो गई। I stopped by Nasal Toe Cafe. यहाँ का कहते हैं पिज़्ज़ा और क्रूजीन बहुत ही फेमस है। लेट्स ट्राई इट आउट कि वो कैसा है। ये मेरी जगह से हार्डली 2 किलोमीटर दूर है बट यहाँ से व्यू देखना, इट्स outstanding. I'm not sure ये सामने वाला विलेज कौन सा है। ये विलेज कौन सा है? टांडी। ओके, ये टांडी है गाइज। और इस वक्त बारिश हो रही है हल्की हल्की एंड दिस लुक्स एब्सोल्युटली मार्वलस। और ऊपर से पानी कितने प्यार से फ्लो, इट्स मतलब यहाँ बैठने का एक मज़ा अलग है। यू नो मैं भी यहाँ पे स्टक हो गई थी जस्ट इसी एरिया में, अभी यहीं से 100 मीटर अवे, एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि इट्स हाउ टफ टू ब्रिंग व्हीकल हियर, बिकॉज सामने से बस आ जाती है, इसी रोड पर बस आ जाती है और इसी रोड पर आपके ट्रक्स आ जाते हैं। इट्स टू टफ। बारिश में पकौड़े खाने का मजा कुछ अलग है पर बारिश रुक गई अनफॉर्चुनेटली। दिस इज हनी जिंजर ना, दैट्स इट। सो गाइस हम जा रहे हैं शोजा की तरफ और गाड़ी इतनी इसलिए हिल रही है क्योंकि रोड बहुत खराब है। अगर मैं तीर्थन की बात करूं तो तीर्थन वैली में सबसे इम्पोर्टेंट है कि रोड बन जाए, कंस्ट्रक्शन हो जाए अच्छी सी रोड की। रोड ऐसी कंस्ट्रक्शन होगी, कनेक्टिविटी है इनकी टनल से, मनाली से, अगर आप मतलब बसेस चेंज करना चाहें। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर रोड्स की कमी है, नहीं तो ये जगह और भी खूबसूरत होता है। आपको सिर्फ देखने को मिलेगी अगर आप निकल रहे हो तीर्थन वैली से ऊपर की तरफ। गाइस ये पहुँचते हुए हम सरची, सरची का व्यू ही इतना खूबसूरत है। यहाँ इस वक्त बारिश हो रही है और बहुत ठंड है यार, क्योंकि देखो आप सामने देख सकते हो कि पूरा पहाड़ी नज़ारा है, मतलब पहाड़ी नज़ारा इन मीन्स कि पूरी स्नो वाला नज़ारा। यहाँ से कहते हैं कुछ किलोमीटर ऊपर एक कैफ़े है, वो बहुत अच्छा है, बट यू नो इस वक्त बारिश हो रही है तो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। हेलो, आप लोकल हो यहीं से? नहीं नहीं, ऊपर कौन सा विलेज है और ऊपर कौन सी जगह है और है हे? अच्छा, मुझे शायद मेरी भाषा समझ नहीं आ रही। सो हाँ यार एक्चुअली सर्ची, अगर हम यार एक्चुअली सर्ची आई एम सीइंग। सो गाइस मेरे सामने उस जगह पे पोस्ट ऑफिस है एंड आई एम प्रीटी श्योर ये इनका टेंपल होगा। और यहाँ पे इन्होंने सारी वुड्स जोड़ी हुई है जस्ट बिकॉज, वुड्स इसलिए जोड़ते हो कि यहाँ पे बहुत कहते हैं बर्फ़ पड़ती है। दिस इज़ नॉट बर्फ़ का सीज़न बट मैं यहाँ पे जितने दिन से हूँ तब से नॉन स्टॉप बारिश हो रही है तीर्थन में। प्लस नॉट इन विन तीर्थन, जब मैं मनाली से निकल रही थी तब भी बारिश हो रही थी, मतलब इस वक्त सारा स्प्रिंग सीज़न चल रहा है तो इसलिए बारिश हो रही है। वैसे यहाँ पे SBI का बैंक भी है, SBI आप पूरे
सारी जगह, मतलब यहाँ पे हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे बेसिकली, इट फील्स लाइक, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। यहाँ पे सिर्फ मैगी और अंडा अवेलेबल था और कुछ नहीं, सो वी हैव ऑर्डर्ड आमलेट फॉर आवर सेल्फ। 19 में पोस्ट मास्टर हो इस जगह की, आई एम सो इंस्पायर्ड टू मीट यू यार। कैसे खुश, यहाँ पे अच्छा लगता है घर, मतलब अपने मम्मी पापा के साथ शिफ्ट हो या फिर ऐसे ही? नहीं, अकेले सब करते हो अकेले? 19 में घर वाले खुश है तुम, आप यहाँ पोस्टेड हो? हाँ। यार गाइस, ये मंडी से, क्या नाम है यार आपका? श्रुति। आप इंस्पिरेशन हो बहुत लड़कियों के लिए, ट्रस्ट मी। सो फाइनली वी गॉट आवर आमलेट, जिसके ऊपर पानी के एक बूंद पड़ते हुए कुछ तो मिला खाने को मुझे, नहीं इसको ये ज़्यादा भूखा था। सो गाइस, बस भी ऊपर तक जाती है इस जहाँ से हम अभी आए हैं, एंड यहाँ पे एक ऑडी Q7 स्टक है, हमने ऑलरेडी साइड में पहले ही पार्क कर दी। ओह माय गॉड, स्टक, चेकआउट बस कैसे निकलेगी? वाओ, इनक्रेडिबल ड्राइवर, आई रियली अप्रिशिएट द ड्राइवर। HP के ड्राइवर सच में अमेजिंग होते हैं। मैंने पूरी सूरी स्पेस देखी थी, दे रखी थी बस को। माय गॉड, आई वाज लाइक हेलो। तो नदी के कुछ उस तरफ लोग बैठे हैं, एग्जैक्टली इस तरफ, और अगर हम नदी के आगे तक जाते हैं तो ये रास्ता बहुत सिंपल है, आप आराम से आ सकते हो उस रास्ते में। मैं घूम रही हूँ रमन के साथ आज भी। तो रमन, कैसा एक्सपीरियंस है तुम्हें मेरे साथ? कम से कम 6 महीना हो गया, देखो कैलिब्रेट नहीं है मेरा गिम्बल। मैंने बोला ही आपको, तो यहाँ पे जगह नहीं कैलिब्रेट करने की। सो रमन, एक्चुअली हम लोगों को 6 महीने का एक्सपीरियंस हो चुका है एक साथ घूमने का। हाउ यू फील घूमने का? और वहाँ ड्रोन शॉट बहुत अच्छा आएगा, कुछ भी जहाँ पे शॉट लेने की बारी आती है वहाँ तो चलो चलो यहीं से जाना है, चल कोई दिक्कत। हमने आके रेस्ट किया थोड़ा सा, थोड़ी सी एडिटिंग करी, अब ये डिनर टाइम है। पहाड़ी खाने का क्या कहना, आई मीन टू से, बिकॉज ये मशरूम की सब्जी है एंड दिस इज़ दाल, एंड मैं यहाँ पे 3 रातों से खाना खा रही हूँ। इट्स लाइक यू नो, बहुत बहुत ही अच्छा खाना है हिमाचली का, आई मीन हिमाचल का। यहाँ पे खाने में एक अलग ही स्वाद है, सो लेट्स जस्ट टेस्ट दिस वन कि ये कैसा है, बिकॉज आई रियली लव मशरूम्स। मशरूम से एक अलग ही प्यार है। इट्स यम। सो टुमारो वी आर लीविंग दिस प्लेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।